देखिएगा लास्ट वीडियो में आपको ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस पढ़ाई गई थी, उस ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस के बेस पर हमारा एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन में वो कहता है यूजिंग द ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजिंग प्रोसेस कंप्यूट द फर्स्ट थ्री ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल फाइव नॉट एक्स फाइव वन एक्स फाइव टू एक्स विच आर ऑन क्लोज इंटरवेल माइनस वन कॉमा वन विद रेस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। वेट फंक्शन दिया गया है आपको डब्ल्यू एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेट फंक्शन आपको दिया है, ये वेट फंक्शन जो है आपको दिया गया है। अब आपको जो है तीन ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल निकालने हैं, फाइव नॉट एक्स फाइव वन एक्स फाइव टू एक्स, ये तीन ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल आप निकालने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी शुरू करिएगा। वो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल आप किस तरह से निकालना है, जिस तरह से आपने कल आर्टिकल करा था उस आर्टिकल की प्रोसेस जो है आप यहाँ अप्लाई कर लीजिएगा। जो आर्टिकल कराया गया था उसमें जो फंक्शन लिए गए थे उन फंक्शन पर, ऑर्थोगोनल फंक्शन पर हमने स्टार यूज़ करा था। अब यहाँ पर एक ही फंक्शन आप स्टार ना लें तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप स्टार लिखते हैं नहीं लिखते हैं तो उसमें जो है कोई फंक्शन की लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में बताया गया था कि फाइव जीरो एक्स की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, यानी कि देखिएगा चूँकि फाइव नॉट एक्स इक्वल टू वन, ये आपका जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल है। जीरो डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है हमेशा वो कोई से भी थ्योरम आप कोई से भी पोर्शन में आप हों तो वो हमेशा वो वन ही ट्रिक होता है। तो एक आंसर तो आ चुका है, अब दो पॉलिनोमियल और निकालना है, एक फाइव वन निकालना है और एक फाइव टू निकालना है। अब हम उसका ग्राम श्मिट का जो है फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, चूँकि फाइव वन एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस का ए वन जीरो और फाइव नॉट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा फाइव वन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए वन जीरो और फाइव नॉट एक्स है। अब यहाँ पर अब फाइव नॉट एक्स की वैल्यू वन है तो फाइव वन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए वन जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन होती है। अब मुझे अपना आंसर निकालने के लिए ज़रूरत है ए वन जीरो निकालने की। अब मैं ग्राम श्मिट ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, ए वन जीरो, क्योंकि ए वन जीरो इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दीजिएगा माइनस वन टू वन है और यहाँ वन डिग्री का पॉलीनोमियल है तो एक्स आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू एक्स आ जाएगा वेट फंक्शन, यहाँ वेट फंक्शन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा फाइव नॉट एक्स डी एक्स और नीचे हो जाता है माइनस वन टू वन, यहाँ डब्ल्यू एक्स हो जाएगा हमने फाइव नॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाता है। जो आपको लास्ट वीडियो में सिखाया गया था उन फार्मूलों को मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ फाइव नॉट एक्स की वैल्यू जो है आपके पास वन है और ये फाइव नॉट स्क्वायर है, ये डब्ल्यू एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा, ये माइनस वन टू वन हो जाता है एक्स, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है और यहाँ माइनस वन टू वन है और वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा। लेकिन आप न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन की जो लिमिट चल रही है वो माइनस वन से प्लस वन चल रही है, लेकिन देखिएगा ऊपर एक्स पड़ा हुआ है, ये ओड फंक्शन है तो आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कि आपकी वैल्यू जीरो आ जाती है फोर्टीन इक्वेशन पर। इक्वेशन वन में रख दीजिएगा तो फाइव वन एक्स की वैल्यू आ जाती है एक्स। तो देखिएगा जीरो डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो तो वन फिक्स है और जो वन डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पर आया है वो वन डिग्री का पॉलिनोमियल आपका एक्स आया है, ठीक है। अब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने चलता हूँ मैं, क्योंकि फाइव टू एक्स, फाइव टू एक्स है तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और दो दो कॉन्स्टेंट आएंगे, एक बीस वाला आएगा और एक इक्कीस वाला आएगा, माइनस ए टू जीरो आ जाएगा, फाइव जीरो एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए इक्कीस फाइव वन एक्स। अब फाइव जीरो फाइव वन की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, वो वैल्यू रख दीजिएगा तो यहाँ पर आपको फाइव टू एक्स की वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए ट्वेंटी माइनस ए ट्वेंटी वन एक्स, ये इक्वेशन नंबर टू है। अब मुझे अपना सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने के लिए ज़रूरत है, एक तो ए ट्वेंटी की ज़रूरत है और एक ए ट्वेंटी वन की ज़रूरत है, चूँकि अब ए ट्वेंटी का फार्मूला देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस वन से वन डाल दीजिएगा, टू आ रहा है तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वेट फंक्शन हो जाएगा और यहाँ फाइव जीरो एक्स डी एक्स और
नीचे हो जाएगा, माइनस वन से वन हो जाएगा, वेव फंक्शन डब्ल्यू एक्स हो जाएगा और यहाँ 50 एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिएगा, ये माइनस वन से वन हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, 50 एक्स की वैल्यू वन डी एक्स है और ये हो जाता है माइनस वन से वन और यहाँ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब देखिएगा ऊपर एक्स स्क्वायर आ चुका है तो इवन फंक्शन है, प्रॉपर्टी लगाइएगा तो यहाँ हो जाता है 2 × 0 × 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी हो जाता है 2 × 0 × 1 एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों तरफ 2 आप अपॉन में डिनोमिनेटर में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, आप लेफ्ट कर लीजिएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा और डी एक्स इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा डी थीटा। अब जो आपकी ए कंटी की वैल्यू है तो लिमिट तो हो जाएगी आपकी 0 से π/2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, डी एक्स का हो जाता है कॉस थीटा डी थीटा और नीचे भी आपका कॉस थीटा बन जाता है, यहाँ 0 से π हो जाता है, यहाँ कॉस थीटा हो जाता है, नीचे भी कॉस थीटा डी थीटा हो जाता है, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी और लिमिट आपकी 0 से π/2 आ चुकी है। जीरो से पाई बाई टू आ चुकी है, यहाँ भी देखिएगा साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो चुका है, यहाँ कर देंगे वन अपॉन टू कर देंगे, 0 से π/2 कर देंगे और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा। अब नीचे देखिएगा डी थीटा है, डी थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको वैल्यू π/2 मिल जाएगी। अब कॉस का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन होगा साइन 2 थीटा बनेगा, साइन 0 पर वैल्यू 0 आएगी और साइन 2 थीटा में जब थीटा की वैल्यू π/2 डालेंगे तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 आएगी तो दूसरी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ जाता है 1/2 × π/2 / π/2 = π/2। अब इस तरह से देखिएगा आपकी ए ट्वेंटी की जो आंसर है वो 1/2 आ चुकी है। अब चूँकि आप ए 21 निकालने चलिएगा, अब यहाँ पर ए 21 मैं निकाल रहा हूँ तो ए के सफिक्स में पहला नंबर जो है वो 2 है, वो डिग्री को बताता है तो एक्स स्क्वायर आएगा और बाद का जो नंबर है वो 1 है, वो 5 के नीचे का नंबर होता है। अब ये हो जाता है इंटीग्रेशन, माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, 51 एक्स डी एक्स आ जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस 1 से 1 डब्ल्यू एक्स आएगा और यहाँ 51 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा माइनस 1 से 1 एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन माइनस 1 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा, अब न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में एक्स की पावर 3 पड़ी हुई है और लिमिट चल रही है माइनस 1 से प्लस 1 तो एक्स क्यूब आपका ओड फंक्शन है तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यानी कि ये वैल्यू 0 आ जाती है तो ए 21 की वैल्यू आ जाती है 0 बाई इक्वेशन टू में वैल्यू डाल दीजिएगा 5 2x इक्वल टू यहाँ पर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 बनता है। तो इस तरह से आपका 0 डिग्री का पॉलिनोमियल 50 भी आ चुका है और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल 51 आ चुका है और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 52 आ चुका है। इसी के बेस पर एक्सरसाइज 9 भी है, उसमें पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, बस उसमें क्या कहा गया है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वेव WX इक्वल टू 1 है, तो यानी कि जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 1 की नकल मार दीजिएगा लेकिन उसमें WX यानी कि वेट फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 रख दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। आप देखिएगा, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ चेबीशेव पॉलीनोमियल। बीएससी सेकेंडरी में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई गई थी, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो लीजेंडर पॉलीनोमियल कहलाया था जिसे PNX से रिप्रेजेंट किया गया था, उसकी भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी। उसी तरह से फिर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो GNX से रिप्रेजेंट कराया गया था। इसी तरह से हमारे पास अब रिप्रेजेंट होने वाला है चेबीशेव पॉलीनोमियल। चेबीशेव पॉलीनोमियल के फार्मूले जो है मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, जो चेबीशेव पॉलीनोमियल होती है उसकी जिसका जो चेबीशेव पॉलीनोमियल होती है
उसमें जो आपका फंक्शन होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। देखिए चेबीशेव पॉलीनोमियल इट इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल -1, 1। जो लेजेंडर फंक्शन होता है उसकी जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से +1 होती है। चेबीशेव पॉलीनोमियल में जो इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो -1 से +1 होती है। और इसका फार्मूला होता है STNx=cos(n cos 1x)। जो आपका चेबीशेव पॉलीनोमियल होता है उसे TNx से रिप्रेजेंट करते हैं और TNx का फार्मूला होता है cos और आगे पड़ा हुआ n cos 1x। n यहाँ पर डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, ये डिफरेंशियल इधर भी लिख देता हूँ, ये होती है 1 -x²y - x(y)-n²y=0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपका चेबीशेव पॉलीनोमियल जो है वो सेटिस्फाई करता है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सीरीज सॉल्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकाला जाता है तो वो सॉल्यूशन इससे रिप्रेजेंट होता है TNx = cos(n cos 1x)। ठीक है, आप देखिएगा रिकरेंस रिलेशन इज जिस तरह से लेजेंडर में और बेसल में बीएससी सेकेंडर में 6 रिकरेंस रिलेशन पढ़ाए गए थे, इसी तरह से चेबीशेव पॉलीनोमियल में भी रिकरेंस रिलेशन होते हैं। लेकिन हम चेबीशेव पॉलीनोमियल हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो उन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हमारा जो चेबीशेव पॉलीनोमियल है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है। इसमें रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको 2 वैल्यू याद रखनी पड़ती है। अब देखिएगा अगर आप चेबीशेव पॉलीनोमियल लेते हैं 0 डिग्री का चेबीशेव पॉलीनोमियल लेते हैं तो ये फिक्स है, T0x की वैल्यू 1 है। अगर आप 1 डिग्री का पॉलीनोमियल लेते हैं तो वो x आ जाता है, सही है ना। तो T0x की वैल्यू x है और T0x की वैल्यू 1 है 0 डिग्री के पॉलीनोमियल की, और जो T1x है उसकी वैल्यू हमारी x है। तो 2 वैल्यू अगर आपको याद होंगी और ऊपर वाला रिकरेंस फार्मूला आपको पता होगा तो आगे की वैल्यू आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर इस वाले फार्मूले में आप n की जगह 1 डाल देते हैं तो यहाँ T0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा n की वैल्यू अगर इस वाले फार्मूले में अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ पर बनता है T2x बनता है, यहाँ 2xT1x बनेगा और आगे बनेगा T0x। अब यहाँ देखिएगा T1x की वैल्यू x है और T0x की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आपका फार्मूला बन जाता है 2x²-1। अब देखिएगा T2x की वैल्यू बनी गई है 2x²-1। ठीक है, अब दूसरी बात अगर इसी वाले फार्मूले में n = 2 डाल देते हैं तो आपका T3x बन जाएगा, n = 3 डाल देते हैं तो T4x बन जाएगा। इस तरह से आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं। इस पर जो बेस क्वेश्चन मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ पर T0, T1, T0x और T1x की वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। T0x की वैल्यू 1 है, T1x की वैल्यू x है और रिकरेंस फार्मूले में रख करके आप वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। अब आगे जो हमें क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि एक वो हमसे डिग्री का कुछ डिग्री देगा और वो हमसे उसका चेबीशेव पॉलीनोमियल पूछेगा, तो चेबीशेव पॉलीनोमियल जो है वो TNx की टर्म्स में दिया जाएगा, सही है ना, TNx की टर्म में दिया जाएगा। तो इसीलिए हम फार्मूले जो है इसके तैयार करने जा रहे हैं। अब इस तरह से हमारा T3x आ जाता है और यहाँ T4x आ जाता है। इस तरह से चैन आपकी चलती रहेगी और आपके आगे की जो है वैल्यू वो निकालते चले जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, अब जो फार्मूले में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फार्मूले में ज़रूरत उल्टी भी पड़ती है तो अब हम इन फार्मूलों को उल्टा कर रहे हैं। अब देखिएगा इस वाले फार्मूले से ये वैल्यू डिसाइड होगी 1 = T0x है, ये वाले फार्मूले से ये वाली वैल्यू डिसाइड हो जाएगी x = T1x है। अब यहाँ देखिएगा 2x²-1 है, 1 की वैल्यू आप ये पढ़ लीजिएगा T0x, तो यहाँ से T0x इधर चला जाएगा तो T2x + T0x/2 आ जाएगा। तो ये आपकी x² की वैल्यू है, ये आपकी x³ की वैल्यू है और ये आपकी x⁴ की वैल्यू है। तो यानी कि x³ को हमने चेबीशेव पॉलीनोमियल T0, T1, T2, T3, T4 के पदों में प्रदर्शित किया गया है। तो जिस तरह से आपकी लेजेंडर की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है उसी तरह से आपकी चेबीशेव पॉलीनोमियल की भी जो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है। अब देखिएगा ये तो चेबीशेव पॉलीनोमियल है, इसका जो वेट फंक्शन होता है वो WX = होता है 1/√1 - x². आपके चेबीशेव पॉलीनोमियल का जो वेट फंक्शन है वो 1/√1 - x² होता है
और देखिएगा यहाँ पर क्लोज इंटरवल पड़ा हुआ है -1,1, तो ये आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट है। अभी आपका फार्मूला लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इज, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में क्या है, इंटीग्रेशन -1 से +1 है, dmx tnx अपॉन √1 -x2 है, ये वेट फंक्शन की वैल्यू से आया है और dx इज इक्वल टू, अब इसके तीन आंसर हैं। अगर m और n इक्वल नहीं होंगे तो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, m और n अगर इक्वल हो जाते हैं और वो जीरो के बराबर नहीं होते हैं तो वैल्यू आपकी π/2 बोलनी है, और m और n अगर आपके जीरो हो जाते हैं, m और n दोनों जीरो हो जाते हैं तो आपको जो आंसर है पाई बोलना है। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है आपकी हेल्प करेगी जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे। अब इस पर भी जो है मैं क्वेश्चन आपको सिखा देता हूँ। अब ये फार्मूले में लिखे रहने दूंगा इधर, क्योंकि इस फार्मूले के में मुझे दिखाना होगा कि आप जो वैल्यू है किस तरह से जो है वो फार्मूले में वैल्यू जो है किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं। आप देखिएगा मैंने सामने बोर्ड पर जो है क्वेश्चन लिख दिया है, ये एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 3 बार अब तक एग्जाम में आ चुका है। अब देखिएगा आपसे क्या कहा गया है, यूजिंग द चेबीशेव पॉलीनोमियल TNX, यानी कि चेबीशेव पॉलीनोमियल TNX का यूज करके ऑब्टेन लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। याद रखिएगा कौन सा मेथड पूछ रहा है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, और लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन सबसे पहली वीडियो में बताया गया था इस चैप्टर की, जिसमें आप एरर निकालने थे, एरर का स्क्वायर कर रहे थे और फिर उस कंडीशन को मिनिमम कंडीशन में आप अप्लाई कर रहे थे। वही फार्मूला हम दोबारा लगने वाले हैं, लेकिन वहाँ जो पॉलिनोमियल लिया जा रहा था वो जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो a0 + a1x ले रहे थे, और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो a0 + a1x + a2x² ले रहे थे। अब वो पॉलिनोमियल हटा करके आपको चेबीशेव पॉलिनोमियल से जो है वो रिप्लेस कर देना है। अब देखिएगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, कहाँ तक का पॉलिनोमियल लेना है, सेकेंड डिग्री का। अगर आप t0x कह रहे हैं तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, t1x अगर आप कह रहे हैं तो वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर आप t2x कह रहे हैं तो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो बुक वाला आपसे कह रहा है कि सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा ये आपका फंक्शन है और इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है -1 से +1, सही है, क्लोज इंटरवल -1, +1 है, तो आपके इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो -1 से +1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा चेबीशेव का आर्टिकल करने के बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वेट फंक्शन इधर लिखा हुआ है, वेट फंक्शन की वैल्यू आपकी wx = 1/√1 - x² लिखी हुई है, तो वेट फंक्शन को आपको डालना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये आपका पॉलिनोमियल है, अब मैं क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका fx = 3x^4 + 2x³ + x + 2 है। अब आप चेबीशेव पॉलिनोमियल लेने वाले हैं, तो ये हो जाता है चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। ध्यान से देखिएगा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल लेने के लिए आपको t2 तक जाना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, पॉलिनोमियल को मान लीजिएगा p2x लिख रहा हूँ मैं, p2x = ऐसे लिख लीजिएगा a0 t0x, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, प्लस नया पैरामीटर a1 डाल दीजिएगा, यहाँ पर t1x डाल दीजिएगा, यहाँ t1x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर a2 हो जाएगा, t2x हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब मुझे अपना आंसर निकालने के लिए, यानी कि चेबीशेव के पॉलिनोमियल के टर्म में सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक मुझे a0 चाहिए, एक मुझे a1 चाहिए और एक मुझे a2 चाहिए। अब देखिएगा मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, है ना। अब यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में डिफाइन करते हैं, ये हम u से डिफाइन कर रहे थे, अब 3 पैरामीटर है हमारे, a0 है, a1 है और a2 है। इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दीजिएगा -1 से +1, आपको वेट फंक्शन भी मल्टीप्लाई में वेट फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले आप वेट फंक्शन की वैल्यू डाल दीजिएगा, यहाँ पर वेट फंक्शन की वैल्यू आपकी wx हो जाती है, सही है ना, और इनटू में एरर का स्क्वायर चाहिए, तो एरर के स्क्वायर के लिए आप fx लिखेंगे और -p2x और पूरे का होल स्क्वायर और dx लिख देंगे, सही है ना। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाती है u, a0 हो जाता है, a1 हो जाता है, a2 हो जाता है, लिमिट -1 से +1 हो जाती है। wx की वैल्यू डाल देते हैं, हम √1 - x² डाल देते हैं, wx की वैल्यू डाल देते हैं, 1/√1 - x², fx की वैल्यू देख लीजिएगा, fx की वैल्यू है 3x^4 + 2x³ + x + 2, ये वैल्यू आ जाती है, और -p2x देख लीजिएगा, a0 t1x
प्लस ए वन टी वन एक्स, सॉरी साइन टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस ए वन टी वन एक्स और माइनस ए टू टी टू एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ से इनकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी की, इधर का मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, हम यहाँ इंटीग्रेशन करने वाले होंगे, इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ देखिएगा u है और मिनिमम वैल्यू ऑफ u, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन की वीडियो में बताया गया था कि जो आपका u है ये मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपकी मिनिमम कंडीशन तीन पैरामीटर चल रहे हैं, डेल u अपॉन डेल a1 इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल a1 इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल a2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप वैल्यू रखने जा रहे हैं, डेल u अपॉन डेल a1 है, डेल u अपॉन डेल a1 है, इसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, फॉर डेल यू अपॉन डेल ए नॉट इक्वल टू जीरो, अब याद कीजिएगा जैसे पहले डेरिवेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन पढ़ाया गया था किस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से आ जाइएगा। देखिएगा डेल यू अपॉन डेल ए नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा, है ना, टू आ जाएगा। जब टू आ जाएगा तो टू जो है राइट हैंड साइड में जीरो पड़ा होगा तो जीरो में चला जाएगा। आपको नॉर्मल इक्वेशन में बताना सिखाया गया था जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका जो कोफिशियंट पड़ा हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सबको अलग अलग कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा आप किसके साथ, एक तो दो हट जाएगा आपका, एक माइनस हट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कोफिशियंट क्या है आपका, यहाँ कोफिशियंट है टी नॉट एक्स, पावर दो हट चुकी होगी, यानी कि इस पूरी टर्म में आप टी नॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर ये इंटीग्रेशन देखिएगा माइनस वन से वन, अब यहाँ पर टी नॉट एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई होने वाली है, इधर आ जाइएगा, ये हो जाता है थ्री एक्स टू दी पावर फोर टी नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगली टर्म में चलिएगा प्लस टू इंटीग्रेशन माइनस वन से टी नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आगे देखिएगा इंटीग्रेशन माइनस एक्स से एक्स टी नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस आगे देख लीजिएगा टू इंटीग्रेशन माइनस वन से वन टी नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म आपकी आ चुकी है। अब माइनस वन की टर्म में लिखना शुरू करिएगा, माइनस ए नॉट बाहर है और ये हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस वन से वन टी नॉट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगली टर्म में चलिएगा माइनस ए वन, माइनस वन से वन हो जाएगा और यह हो जाएगा टी नॉट एक्स टी वन एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस ए टू माइनस वन से वन हो जाएगा टी नॉट एक्स टी टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस लाइन को ध्यान कर लीजिएगा, अब इस लाइन में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको जो है वैल्यू को किस तरह से ज्ञात करनी है, सही है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा वैल्यू आपको किस तरह से ज्ञात करनी है, यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालने जा रहे होंगे आप सबसे पहले तो ये लिखिएगा चूंकि टी नॉट एक्स इक्वल टू जीरो, अब टी नॉट एक्स की वैल्यू जीरो है, थोड़ी सी लाइन मेरी बड़ी पड़ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि वैल्यू जो है आप किस तरह से निकालेंगे टी नॉट एक्स, आप देखिएगा टी नॉट एक्स की जो टी नॉट एक्स की वैल्यू, अब टी नॉट एक्स की वैल्यू जो आपको बताई गई थी वो टी नॉट एक्स की वैल्यू आपको वन बताई गई थी। अब देखिएगा वैल्यू किस तरह से निकालेंगे आप, ये वन है, यहाँ देखिएगा अब इस लाइन को देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब देखिएगा टी नॉट एक्स की वैल्यू वन है, यहाँ पर वन आ जाएगा तो ये इवन फंक्शन है और एक्स की पावर चार चल रही है तो इवन फंक्शन है। यहाँ पर तीन पहले से ये दो बाहर आ जाएगा, छः लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ देखिएगा टी नॉट एक्स की वैल्यू वन है, यहाँ एक्स की पावर तीन है, एक्स की पावर तीन है यहाँ पर, तो एक्स की पावर तीन है तो ये ओड फंक्शन है तो ये टर्म आपकी जीरो में चली जाएगी, प्लस
अब यहाँ देखेगा एक्स है, टी नॉट एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ भी ओड फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी, अगला भी 0 में चला जाएगा। अब यहाँ देखेगा टी नॉट एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 × 4 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम बीटा गामा फंक्शन की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब ये टर्म मेरी कहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आ गई है। आप देखिएगा यहाँ पर इस वाली टर्म पर देखिएगा, आप यहाँ पर यहाँ टी नॉट एक्स का होल स्क्वायर है। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में यहाँ आइएगा, देखिएगा इधर देखिएगा टी एम और टी एन, जब एम और एन दोनों की जगह आप जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा टी जीरो एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एम और एन की दोनों की वैल्यू जीरो है तो यहाँ वैल्यू पाई है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ से मिल जाएगी आपको पाई। तो यहाँ पर हो जाता है आपका माइनस ए नॉट पाई, ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ देखिएगा टी नॉट और टी वन है, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये कहती है जब नीचे के सफिक्स के नंबर अलग अलग होंगे तो आपके जो इंटीग्रेशन है वो वैल्यू जीरो में चली जाएगी। एम नॉट इक्वल टू एन पर वैल्यू जीरो है, तो यानी कि अगला इंटीग्रेशन भी जीरो में जाएगा, उससे अगला इंटीग्रेशन भी जो है वो जीरो में चला जाएगा, ये सारे इंटीग्रेशन जो है वो जीरो में चले जाते हैं। अब यहाँ से आपका ए नॉट बचता है, तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/5 है, तो यहाँ 6 है इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू दी पावर 4 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लैब कर लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, जब आप x इज इक्वल टू साइन थीटा लैड करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगी और लिमिट हो चुकी होगी 0 से π/2। आप बीएससी पार्ट 1 का अपना गामा फंक्शन लगा दीजिएगा और आपके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ये पहली वाली वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी, यहाँ पर आपको ए नॉट मिलेगा, ठीक है। अब जब आप अगली वैल्यू लेने जाएंगे तो अगली वैल्यू के लिए मैं यही रिपीट कर देता हूँ, आप वीडियो को स्टिल करने के बाद पहले लाइन उतार लीजिएगा फिर उसके बाद आगे चलिएगा, क्योंकि मैं इसे मिटाना शुरू कर दूँगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये वाली लाइन में हटा देता हूँ, अब अगली जो लाइन होगी वो होगी डेल यू अपॉन डेल ए वन इज इक्वल टू जीरो। जब डेल यू अपॉन डेल ए वन इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर ए वन का जो कॉफिशियंट है वो माइनस का टी वन है, दो सब टर्म में आएगा जीरो में चला जाएगा, माइनस सब टर्म में आएगा वो जीरो में चला जाएगा। बस जो लाइन अभी बोर्ड पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है उसमें जहाँ टी नॉट है उसमें मल्टीप्लाई करने वाला जो टी नॉट है उसे टी वन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी कि देखिएगा यहाँ पर ये टी वन एक्स हो जाएगा, ये टी वन एक्स हो जाएगा, ये आपका टी वन एक्स हो जाएगा, यहाँ आपका टी वन एक्स हो जाएगा, यहाँ आपका टी नॉट एक्स इंटू टी वन एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, टी वन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ टी वन इंटू टी टू आ जाएगा। अब ये लाइन देखिएगा इस लाइन में, अब यहाँ पर अगली लाइन है चूंकि टी वन एक्स। अब आप जो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिनमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, उनमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जिसमें नहीं लग रही है तो उसमें आप टी वन एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स डाल दीजिएगा, सही है ना। टी वन एक्स की वैल्यू आप देखिएगा, जब यहाँ टी वन एक्स की वैल्यू एक्स डालेंगे तो इस इंटीग्रेशन को मैं दोबारा हटा देता हूँ, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यह टी वन एक्स की वैल्यू एक्स डाल लें तो यहाँ एक्स की पावर 5 हो जाएगी, ओड फंक्शन है ये जीरो में चला जाएगा, यह टी वन एक्स की वैल्यू एक्स डालेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 2 × 4 हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यह टी वन एक्स की वैल्यू जब एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 0 to 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा टी वन एक्स की वैल्यू जब आप एक्स डालेंगे तो एक्स की एक पावर होगी, ये आपका ओड फंक्शन है ये जीरो में चला जाएगा प्लस अगली वैल्यू आपकी जीरो में चली जाती है। और यहाँ देखिएगा यहाँ टी नॉट और टी वन की मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे के सफिक जो है वो अलग अलग है, ये जीरो में चला जाएगा, माइनस नई वैल्यू जीरो में चली जाएगी। अब यहाँ देखिएगा टी वन एक्स का होल स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर टी वन एक्स का होल स्क्वायर, तो टी वन एक्स का होल स्क्वायर कब बना होगा, जब एम और एन दोनों बराबर होंगे लेकिन वो 1 के बराबर होंगे,
जब m और n बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, वो 1 के बराबर होंगे, तो देखिएगा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कि m और n तो बराबर है लेकिन किसके बराबर नहीं है, 0 के। अब आप m और n की वैल्यू जो रख रहे हैं वो 1 रख रहे हैं जो 0 नहीं है, तो अब की बार वैल्यू आती है पाई बाई टू, ले लेते हैं यहाँ माइनस ए वन के साथ आ जाएगा पाई बाई टू, ए वन के साथ पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ दोनों के नंबर अलग अलग हैं तो अगली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 में चली जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू आपकी ए वन आ जाएगी, ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन पाई 0 टू 1, यहाँ 4 है, एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, अब x इक्वल टू साइन थीटा रख दीजिएगा, गामा फंक्शन निकाल दीजिएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है वो भी इसी तरह से करेंगे, जब आप अगली बार करने जाएंगे तो डेल u अपॉन डेल a नॉट की a2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ t2 हो जाएगा यहाँ टी वन एक्स इंटू टी टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका टी टू एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद आप वैल्यू डालेंगे टी टू एक्स की, अब टी टू एक्स की वैल्यू जरा थोड़ा सा आपको परेशान कर देगी, क्योंकि टी टू एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी थोड़ी सी बड़ी है। अब टी टू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x² - 1। अब t2x की वैल्यू मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब आप अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको अलग अलग बांट लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, जहाँ पर x की ओड पावर न्यूमरेटर में चल रही है वो इंटीग्रेशन आपके 0 में चले जाएंगे, और बाकी में आप गामा फंक्शन लगा करके वैल्यू दे देंगे, और देखिएगा जहाँ पर टी 0 है यहाँ दोनों के नंबर सफिक्स अलग अलग है 0 हो जाएगा, यहाँ दोनों के सफिक्स अलग अलग है 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा टी टू एक्स का होल स्क्वायर बना है, तो यानी कि एम इजिकल टू एन इजिकल टू 2 रखा गया है जो 0 के बराबर नहीं है, तो आपकी कंडीशन ये वाली अप्लाई हो जाएगी, m इज इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैल्यू आपकी पाई बाई 2 हो जाएगी। थोड़ा देखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता है ना, अब ये कम से कम आधे घंटे का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 9B के 2 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, 2 इसके एग्जाम्पल है, एक करा दिया गया है और एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज 9B एक्सरसाइज 9B को विद एग्जाम्पल ख़त्म कर सकते हैं। टोटल मिलाकर के 4 सवाल हैं, 2 एक्सरसाइज 2 एग्जाम्पल हैं और 2 इसमें क्वेश्चन हैं।